हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम समरी कर रहे हैं चैप्टर डिवोशनल पास टू द डिवाइन की ग्रेड 7 सीबीएसई से। सबसे पहले बात करते हैं जो मिडिवल इंडियंस थे उनके किस तरह के आइडियाज थे डिवोशन को लेकर। रिलीजन एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है जिसमें ये माना जाता है कि एक डिवाइन पावर होती है जिसपे लोग विश्वास करते हैं। साथ ही साथ जो लोग एक दूसरे से रिलेट नहीं है उनके बीच में भी एक बॉन्ड स्थापित होता है ताकि कोऑपरेटिव ग्रुप्स बन सके। ये जो इंटरमिंगलिंग थी इससे क्या हुआ, बहुत नए आइडियाज डेवलप हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जैसे कि सोशल प्रिविलेज जो है वो एक पर्टिकुलर फैमिली को या कास्ट को देनी चाहिए बर्थ के दौरान, या बर्थ की वजह से कि वो किस पर्टिकुलर फैमिली में या कास्ट को बिलोंग करता है उसके बेसिस पर उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ ही साथ नया डेवलपमेंट हुआ इनइक्वालिटी का। कुछ पीपल इन आइडियाज के अगेंस्ट थे, इस वजह से उन्होंने जो है जो बुद्धाज और जैन्स की टीचिंग्स थी उनकी तरफ मूव कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भक्ति के आइडिया को एक्सेप्ट किया और एक गॉड के लिए अपने आप को डिवोट कर दिया। तीन मेन देवी देवता माने गए, शिवा, विष्णु और दुर्गा, जबकि बाकी जो देवी देवता थे उन्हें अवतार माना गया। लोग जो है उसी तरह से जो रिचुअल्स हैं उनको वर्शिप कर रहे थे जैसा कि पुराण में दिया गया था। फिर इवन बाद में पुराण में भी ये मेंशन किया गया कि जो भगवान है वो लोगों को उनकी भक्ति के अनुसार आशीर्वाद देते हैं बजाय उनकी कास्ट के। ये शुरुआत थी भक्ति मूवमेंट की जिसने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन करी और बुद्धिस्ट और जैन बिलीफ सिस्टम द्वारा भी अडॉप्ट करी गई। साउथ इंडिया में ये जो मूवमेंट था इसको बढ़ाया नयानर्स और अलवार्स ने, जहाँ पर पहले जो लॉर्ड शिवा की भक्ति थी फिर बाद में वो चेंज होकर लॉर्ड विष्णु की हो गई। रूलर्स इस जमे के जो हैं वो टेम्पल्स बनवाते थे सेंट्स के लिए ताकि एक लिंक को मजबूती दी जा सके जो कि भक्ति और मंदिर के बीच में है। हैगियोग्राफीज और पोएम्स जो हैं इन संत द्वारा कंपाइल करी जाती थी और इनको एक बहुत ही इनवैल्यूएबल सोर्स माना गया है इन्फॉर्मेशन का आज के लिए। भक्ति मूवमेंट ज़्यादातर इन्फ्लुएंस थी फिलोसफर्स की का प्रभाव ज़्यादा था, जैसे कि शंकराचार्य हैं, रामानुज हैं। शंकराचार्य जो हैं बेसिकली लॉर्ड ब्रह्मा के फॉर्म बिलीवर थे और उनको अद्वैत कहते थे, यानी कि वो विश्वास करते थे इंडिविजुअल सोल की एकता के बारे में और ये कहते थे कि जो इंडिविजुअल सोल है और जो सुप्रीम गॉड है वही मुक्ति का रास्ता है। जबकि रामानुज एक बहुत ही लॉयल डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के और उनका ये कहा जाता है कि जो विशिष्ट अद्वैत हैं या जो सेपरेटनेस है इंडिविजुअल सोल की वो भी जो है सुप्रीम गॉड में मर्ज हो जाती है और तब वो मुक्ति का रास्ता बनती है। इनकी टीचिंग्स जो हैं एक तरह से इंस्पायर करती थी एक नए भक्ति को और धीरे धीरे वो फेमस हो गई नॉर्थ इंडिया में। कर्नाटक में जो ये जो भक्ति ट्रेडिशन था इसको स्टार्ट किया था बसावन्ना ने, जिनको कि कहते हैं वीरा शिवा मूवमेंट। इनके जो फॉलोअर्स थे वो मानते थे कि सारे ह्यूमंस बराबर हैं और किसी भी तरीके की रिचुअल और आइडल वर्शिप में ये अविश्वास नहीं रखते थे। अब कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेंट्स रहे महाराष्ट्र के और नॉर्थ इंडिया के। मिडिवल पीरियड के दौरान बहुत सारे सेंट्स जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर निकले जो कि ये प्रचार कर रहे थे या ये सिखाते थे लोगों को कि जो पावर है लोगों को बचाने की वो जो है बेसिकली डिवाइन नेम को बिलोंग करती है। वो ज़्यादातर लोगों को सिखाते थे पोएम्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू जो कि उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई थी। इम्पॉर्टेंट सेंट पोएट्स जो महाराष्ट्र के थे वो थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और ये सब मराठी लैंग्वेज में सिखाते थे। ये लोग लॉर्ड विट्ठल को वर्शिप करते थे जिन्हें की विष्णु का अवतार माना गया है। एक साधारण सी लाइफ जीते थे और जो रिनंसिएशन का आइडिया है उसको इन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। संत मीराबाई थी जो कि पूरी तरीके से भक्ति में लीन थी लॉर्ड कृष्ण की और वो काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभाव था राजस्थान के लोगों पे और गुजरात के लोगों पे क्योंकि वो भजन बहुत अच्छा गाती थी। 13वीं सेंचुरी में यानी 13वीं सेंचुरी के बाद नए डेवलपमेंट्स हुए भक्ति मूवमेंट के अंदर नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ में अब लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे कुछ संत के द्वारा, जैसे कि तुलसीदास थे जो कि राम के भक्त थे, सूरदास कृष्ण के भक्त थे और अपने इस डिवोशन को एक्सप्रेस करने के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी जबकि सूरदास ने सुरसागर लिखा, सुरसावली लिखी और साहित्य लहरी लिखी।
फिर इम्पोर्टेंट कुछ सेंट हुए जैसे कि संत कबीर, जो कि एक मुस्लिम फैमिली में ब्रॉटअप हुआ था उनका, और ये फैमिली जो है वीवर्स की थी। ये एक पहले इंडियन सेंट हैं जिन्होंने हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों की टीचिंग्स को हार्मनाइज करा। इनकी टीचिंग्स जो हैं बुक्स में भी मिल जाएंगी, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, पंचवाणी है या बीजक। 15th century में एक और महान संत हुए शंकरदेव। ये असम में बॉर्न हुए थे और लॉर्ड विष्णु के भक्त थे। इन्होंने नामगर्स और हाउस ऑफ रिसाइटेशन की जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करी, और ये प्रेयर आज भी करी जाती है। जो नाथपंथी थे, सिद्धचार थे या जो योगीज थे रिलीजियस ग्रुप के, वो बनाए गए उसी समय। और ये लोग ना तो किसी रिचुअल में विश्वास करते थे, बल्कि इस बात का प्रचार करते थे कि लोगों को अपने जो वर्ल्डली प्रेशर्स हैं उनको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। ये लोगों में ये ग्रुप्स ज़्यादा पॉपुलर थे, खासतौर से लोअर कास्ट के, क्योंकि उनके जो डिवोशनल रिलीजन थे उनके कुछ अलग ही आइडियाज थे। जो कॉमन फीचर था इन सेंट्स का वो ये था कि जो भी इनके वर्क्स मिले हैं उनकी रीजनल लैंग्वेज में और जिनको आसानी से गाया जा सकता है, ये भी एक वजह रही कि ये लोग इतने ज़्यादा फेमस हुए। जैसे गरीब लोग थे, आर्टिसंस, पीजेंट्स, लेबरर्स या जो ट्रेडर्स थे, वो इन सेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनकी टीचिंग्स को और ज़्यादा स्प्रेड करने में काफ़ी मदद करी। अब इसके बाद आए गुरु नानक और सिख मूवमेंट। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसकी जो शुरुआत होती है वो इस वर्ड से होती है एक ओंकार, जिसका मतलब है कि खाली एक ही गॉड है। ये गुरु नानक द्वारा कंपोज की गई थी, जो कि सिखिज्म के फाउंडर माने जाते हैं, एंड ये बॉर्न हुए थे 1469 में तलवंडी में। फाइनली ये सेटल हुए करतारपुर में, जो नदी रावी है उसके बैंक्स के किनारे है। इनके फॉलोअर्स जो हैं ज़्यादातर प्रेयर्स ऑफर करते थे हाइम्स को गा के या लंगर में एक साथ खाना खा के, और इनका एक कॉमन किचन होता था। इनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप थी वो धर्मशाला थी, जिसको कि अब जो है गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु नानक ज़्यादातर लहना को उन्होंने अपना सक्सेसर बनाया, जो कि गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। गुरु अंगद जो थे उन्होंने गुरु नानक की जो भी टीचिंग्स थी या उनकी जो अपनी खुद की कॉम्पोजिशंस थी उनको कंपाइल किया गुरुमुखी स्क्रिप्ट में, जिसको कि लिखा जाता है या पंजाबी लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में ये सारी टीचिंग्स जो हैं नानक थे जो सक्सेसर थे या जो और रिलीजियस लोग थे उन्होंने कंपाइल करके एक होली बुक जो सिख की है उसमें कर दिया, जिसको के कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, और इसको अफर्म किया गुरु गोविंद सिंह ने। इनके जो फॉलोअर्स थे वो मेनली ट्रेडर्स और आर्टिसंस थे, जैसा कि गुरु नानक ने जोर दिया था कि उनके फॉलोअर्स जो है वो एक प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन को फॉलो करें। तो गुरु नानक की जो टीचिंग्स थी उन्होंने मेनली तीन चीज़ों पर फोकस किया था, नाम जपना और राइट बिलीव एंड वर्शिप, कर्त करना यानी कि ऑनेस्ट लिविंग, और वाद चखना यानी कि हेल्प अदर्स। 17th century में हरमंदिर साहिब, जो कि रामदासपुर में है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया सिख कम्युनिटी का, और अब इसको बोलते हैं गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में है ये। जैसे जैसे सिख कम्युनिटी ग्रो हो रही थी, मुगल एम्परर जो जहांगीर थे अब उनके लिए जो है ये एक पोटेंशियल थ्रेट बनते जा रहे थे, और इसी वजह से जो गुरु अर्जन थे उनको मार दिया गया। इससे क्या हुआ, सिख मूवमेंट की शुरुआत हुई, और जो खालसा पंथ है जो कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा लीड किया गया था, बाद में वो जो है एक तरह से पॉलिटिकल एंटिटी बन गया। तो ये थी समरी चैप्टर डिवोशनल पास टू द डिवाइन की। अच्छी लगी सब्सक्राइब करो माय चैनल असा एजुकेशन। बाय।